देखो जब मैंने ये था भी कि हाँ मेरी बीट जाएगी या फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही रहूँगा, ये था मतलब क्लियर भी नहीं था कि फर्स्ट पे ही रहूँगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से जैसे और प्लेयर थे, कोचिज थे, जब बात चलती थी जो भी आइडिया था 1 करोड़ तक ही था, क्योंकि बजट कम होता है तो 4 करोड़ में पूरी टीम खरीदनी होती है, अब एक प्लेयर के ऊपर ज़्यादा नहीं लगा सकते। और कबड्डी में आप 3-4 साल के अंदर ही मतलब सेकंड नंबर पे हो जाना, क्रिकेट के बाद कबड्डी का ये ऐसे प्लेयर आए कि जिसका नाम हो कि हाँ भाई यही है, मतलब सेकंड नंबर पे क्रिकेट के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा आई बीट लगी है, तो ये कबड्डी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। शोल्डर का पावर दिखना हाँ, कंटिन्यू परफॉर्मेंस की वजह से होता है। मान लो मैंने प्रो में अच्छा खेला था, पटना टीम के लिए हम चैंपियन रहे थे, उसके बाद सीनियर नेशनल हुआ था उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, और फेडरेशन कप और हरियाणा में 1 करोड़ वाली टूर्नामेंट थी, तो ये जो कंटिन्यू जब मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही उस हिसाब से तो सभी रिकॉर्ड देखे जाते हैं प्लेयर के, भाई कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। अब एक मैच में अच्छा खेल के एक टूर्नामेंट में अगली टूर्नामेंट फ्लॉप हो जाए तो थोड़ा ग्रेड प्लेयर का नीचे आ जाता है। मेरे चाचा जी हैं जो विजेंद्र सिंह, वो बहुत अच्छे प्लेयर रहे कबड्डी के, तो वो सिखाते थे गांव में, तो उनको साथ में मैंने जाना स्टार्ट कर दिया ग्राउंड पे प्रैक्टिस के लिए। तो फिर उधर जाने के बाद आराम आराम से जैसे खेलना स्टार्ट किया, और 1-2 साल हो गए तो और ज़्यादा रुचि हो गई गेम के अंदर, इंटरेस्ट बढ़ता गया। फैमिली वाले बोलते थे भाई जो आपके तुम्हारे चाचा जी हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर रहे, उनकी तरह प्लेयर बनो, नाम करो और इंडिया के लिए खेलो, और तब से मैंने मतलब ये हो गया था कि कबड्डी फ्यूचर है मेरा। पहले तो यही होता था भी प्रो कबड्डी थी नहीं, तो ये था भी जॉब लग जाएं और इंडिया के लिए इंडिया टीम में खेलें, एशियन गेम खेलें, वही टारगेट है मैन। वैसे अप डाउन तो चलता रहता है गेम में, कभी सिलेक्शन कट हो जाए और कुछ हो जाए, उस टाइम थोड़ा आता है दिमाग, मतलब कोई भी प्लेयर उसके दिल के अंदर थोड़ा सा आता है भी कि अभी रहने दूँ मैं, लेकिन ऐसा कोई ऐसी स्टेज नहीं आई जिससे मतलब मेरे को ये लगे कि मैं कबड्डी छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे को कबड्डी में अपना फ्यूचर बनाना था।